बरेली के मणिनाथ स्थित शिव मंदिर में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए आज शिव भक्तों ने नागपंचमी के पावन अवसर पर दूध चढ़ाकर पूजन किया। पत्रकार अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली। बरेली के मणिनाथ स्थित शिव मंदिर में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए आज शिव भक्तों ने नागपंचमी के पावन अवसर पर दूध चढ़ाकर पूजन किया। पत्रकार अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली। बरेली के मणिनाथ स्थित शिव मंदिर में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए आज शिव भक्तों ने नागपंचमी के पावन अवसर पर दूध चढ़ाकर पूजन किया। पत्रकार अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली। बरेली के मणिनाथ स्थित शिव मंदिर में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए आज शिव भक्तों ने नागपंचमी के पावन अवसर पर दूध चढ़ाकर पूजन किया। पत्रकार अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली। बरेली के मणिनाथ स्थित शिव मंदिर में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए आज शिव भक्तों ने नागपंचमी के पावन अवसर पर दूध चढ़ाकर पूजन किया। पत्रकार अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली। बरेली के मणिनाथ स्थित शिव मंदिर में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए आज शिव भक्तों ने नागपंचमी के पावन अवसर पर दूध चढ़ाकर पूजन किया। पत्रकार अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली। बरेली के मणिनाथ स्थित शिव मंदिर। क्या नाम है आपका? महंत धर्मेंद्र गिरी, मणिनाथ मंदिर। जो आज ये नागपंचमी है, तो यहाँ पर नागपंचमी के दिन क्या महत्व है, कुछ बताएंगे आप? मतलब भोलेनाथ के जो गण हैं, भोले नाग वासुकी, उनको भगवान ने वरदान दिया था कि मेरे साथ मेरे पर जल चढ़ाएगा उसका कल्याण होगा, तुमको दूध पिलाएगा उसका कल्याण होगा। तो पहले तुम्हें दूध पिलाएगा, मुझे जल चढ़ाएगा, उसी का कल्याण होगा। और सावन मास में भगवान शंकर का दिन है। और आज जो भक्तों का यहाँ पर है, कोरोना का कोई असर है क्या यहाँ पर? कोरोना का मणिनाथ पर तो कोई कोरोना का असर नहीं है, लेकिन फिलहाल में पब्लिक यहाँ की जबरदस्ती मंदिर में घुसती है और पूजा पाठ ठीक चल रहा है। फिलहाल में आगे पीछे चल के पूजा कर रहे हैं और भक्तों की तो अपार माया है, वो भोले से प्रेम ज़्यादा रखते हैं, तो भोले के पास कौन रोकेगा।